माइनक्राफ्ट में टोटल 6 आर्मर सेट है, जिनमें से एक है ये चेन मिल आर्मर, जो कि माइनक्राफ्ट की रेयर आइटम की लिस्ट में आता है, क्योंकि हम इसे क्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। इस आर्मर को सिर्फ हम मॉब लूट से या फिर विलेजर से ट्रेड करके ले सकते हैं। और आज मैं इस नॉर्मल से दिखने वाले आर्मर को काफी ज्यादा रेयर बनाने वाला हूं। पर क्यों? तो ऐसे कुछ दिनों पहले मैंने ज्वाइन करा था एक पब्लिक लाइफस्टाइल सर्वर रॉयल एमसी। अगर तुम लोग को भी खेलना है तो आईपी तुम्हारी स्क्रीन पर है। तो इस सर्वर के ओनर ने एक इवेंट कराया था, जिसमें जो भी 5 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा रेयर आइटम लाएगा उसे मिलने वाला था इस सर्वर का सबसे ज्यादा रेयर एंड एक्सपेंसिव आर्मर, एंड मुझे ये आर्मर चाहिए। तो इवेंट में जीतने के लिए मेरे पास काफी तगड़ा प्लान है एक, बट उससे पहले मुझे इस सर्वर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो मैंने इनके डिस्कॉर्ड सर्वर से थोड़ी बहुत कीज बाय कर ली है, ताकि मैं इस सर्वर में थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकूं। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इस इवेंट को जीतने के लिए। तो अगर मुझे जीतना है तो मुझे कोई एक ऐसा आइटम लाना होगा जो कि कोई भी ना ला पाए एंड मैं इजीली जीत जाऊँ, या फिर खुद का रेयर आइटम बनाना होगा। तो अब तुम लोग सोच रहे कि खुद का रेयर आइटम कैसे बना सकते हैं हम? तो देखो, प्लान बिल्कुल सिंपल है। तो अगर मैं 2 रेयर आइटम को मर्ज कर दूं तो मैं एक अल्ट्रा रेयर आइटम बना सकता हूं। तो इस प्लान के लिए मुझे सबसे पहले चाहिएगा एक चेन मिल आर्मर। तो अब तुम लोग बोलोगे क्या चेन मिल आर्मर रेयर होता है? हाँ भाई, रेयर होता है। चेन मिल आर्मर एक इकलौता ऐसा आर्मर है जो कि हम क्राफ्ट नहीं कर सकते। तो फिर ऑब्टेन कैसे करूंगा मैं, तुम यही सोच रहे होंगे ना? तो माइनक्राफ्ट की 4 साल की स्किल यूज करके मैंने फाइनली बना लिया एक बहुत ही अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्सपी फार्म। तो अब मुझे सिर्फ यहाँ पे एएफके करना है जब तक मुझे पूरा चेन मिल आर्मर ना मिल जाए। तो चेन मिल आर्मर तो मुझे यहाँ से बड़ी इजीली मिल गया। तो जो नेक्स्ट आइटम मुझे अब चाहिए वो इतनी इजीली नहीं मिल सकता। तो अगर मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि एक पब्लिक सर्वर को कौन सा आइटम सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है, पब्लिक सर्वर के आर्मर पे लगी हुई इंचेंटमेंट। तो जैसा कि तुमको पता है, पब्लिक सर्वर में जो आर्मर एग्जिस्ट करते हैं वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं होते, उन पे इंचेंटमेंट लगी होती है काफी खतरनाक, जैसे कि प्रोटेक्शन 6, जो कि सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो ये चीज पब्लिक सर्वर को यूनिक बनाती है, और अब मुझे ये वाली इंचेंटमेंट्स की बुक चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को लेकर चलता हूँ एक्स गेमिंग के एक ऐसे सर्वर पर जहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक चीजें हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट एनपीसी। तो जैसे ही आप ये सर्वर ज्वाइन करोगे, आप लोग का मेरा रेफर कोड डालना है /referrr। गेम स्टार्ट करने के लिए जैसे ही तुम मेरा रेफर कोड डालोगे, तुम लोग को मिलेंगे 250 क्लेम ब्लॉक और 10 आयरन इंगट, जिससे आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और इस सर्वर को सबसे खास बनाते हैं ये इंटेलिजेंट एनपीसी, जैसे कि ये राजू आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेड क्रिएट करके देता है। तो चलो राजू के साथ ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। तो आप राजू को राइट क्लिक करके इससे ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये पूछेगा कि आज आप क्या करना चाहते हो। इन ऑप्शन में से आपको कुछ सिलेक्ट करके चैट में टाइप करना होगा। चलो मैं बिल्डिंग लिखता हूँ। आपको ट्रेड मेन्यू देखने के लिए चैट में वाई लिखना होगा। राजू ने मेरी इन्वेंटरी को ध्यान रखते हुए मेरे लिए स्पेशल ट्रेड बनाई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, 1 आयरन इंगट में मुझे मिल रहा है 8 कबलस्टोन और 4 वुड। क्या ही सही ट्रेड है यार। तो भाई, प्रीमियम हो या क्रैक, तुम यहाँ किसी भी माइनक्राफ्ट से ज्वाइन कर सकते हो। मेडिवल माइनिंग का एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर आप बहुत सारे एडवेंचर टास्क, ट्रेडिंग, इंटेलिजेंट एनपीसी से इंटरेक्ट कर सकते हो, और साथ ही दोस्त बना के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मेरा तो ये फेवरेट सर्वर है, मैं तो यहाँ खेलता रहता हूँ। यहाँ बहुत ओवरपावर्ड मोड है जिनसे फाइट करके खेलने में काफी मजा आता है। इस सर्वर की सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम लोग भी आ जाओ, साथ में खेलना है। तो ये है पोलेक्स क्राफ्ट सर्वर का एडमिन और एक नॉर्मल प्लेयर, जिसके पास सर्वर में ऑपरेटर है एंड वो मेरा दोस्त भी है। एंड पूरे सर्वर में सिर्फ पोलेक्स है जो कि मेरी मदद कर सकता है। एक मदद चाहिए थी यार। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे मतलब कुछ सामान चाहिए था मेरे को रॉयल एमसी में। सामान चाहिए था? बताओ। वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं, बट जितना है बताओ क्या चाहिए अभी। मतलब मेरे को, वैसे तुम पे पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरे को ओपी एन्चेंटमेंट्स की बुक चाहिए। हैं? ओपी एन्चेंटमेंट्स वो क्यों चाहिए भाई? वैसे आप उसको क्रेट से निकाल सकते हो, आर्मर पे लगी होती है। नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए एक्चुअली भाई, मेरे को सेपरेट बुक चाहिए प्रोटेक्शन 7 की है, लाइक ऐसे को अपने आर्मर पे लगानी है खुद से। ना भाई, मैं ये सब नहीं कर सकता, कॉज ये क्रिएटिव वगैरह मैं मुझे यूज़ करना पसंद नहीं है। मैं जस्ट क्रिएटिव यूज़ करता हूँ जब मुझे बग्स फिक्स करने होते हैं। एरर भाई देखो, करने के लिए तो मैं कर दूँ, बट उसके बदले मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, $100 मिलियन इन रॉयल एमसी। तो मुझे कैसे भी करके $100 मिलियन कलेक्ट करने हैं, ताकि मैं एडमिन को देके इजीली ओपी बुक ले सकूं। तो $100 मिलियन करने के लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। हेलो हेलो भाई। हेलो हेलो भाई, सुन ना, एक काम था। काम? आप बोलो कौन सा काम है? कुछ नहीं, बस $100 मिलियन दे दे। $100 मिलियन मांग दे, इतना ज्यादा हलवा मांग रहा है। अबे भाई, मतलब थोड़े दिनों के लिए चाहिए। सुन देख, साफ सीधी बात है, सीजन एंड हो रहा है, तुझे पता है, मुझे पता है। तू क्या करेगा लेके? मुझे $100 मिलियन दे दे एंड भाई। देख, तेरे लिए सिर्फ 100 मिलियन सीजन एंड हो तक है भाई। मैंने पूरा सीजन खेला है, तब तक 100 मिलियन हुआ मेरे पास। अरे वो बात तो ठीक है यार। तो काफी देर तक कन्विंस करने के बाद फाइनली बेलिदो एक डील रखता है। ओके, लाइक अगर तेरे को 100 मिलियन चाहिए तो एक डील है मेरे पास तेरे लिए। देख, तेरे पास एक आर्मर है जो तूने निकाला, एनोन आर्मर, मुझे पता है, मैंने देख रखा है। क्योंकि वो मेरे पास सिर्फ वही नहीं है और हर चीज़ है मेरे पास। तो अगर तेरे को 100 मिलियन चाहिए तो मुझे वो आर्मर दे दे।
आपको डील मंजूर है तो बोल दो, मैं दे दूंगा, वरना तो भाई रहने दो। तो मुझे ना चाहते हुए ये डील माननी पड़ी एंड फाइनली मेरे पास 100 मिलियन डॉलर आ गया अपने पूरा आर्मर देने के बाद। आर्मर भाई, आर्मर तो अभी हो गया मेरा, अब आपका नहीं है। तो उसके बाद एडमिन को 100 मिलियन डॉलर देने के बाद फाइनली मेरे को पूरे आर्मर पर एन्चेंटमेंट मिल चुकी थी। तो मुझे फाइनली मिल चुका था पूरा चेन मिल आर्मर, वो भी लेवल 7 के एन्चेंटमेंट्स के साथ। तो अब मैं इस आर्मर को और भी ज्यादा रेयर बनाने वाला हूँ बाय यूजिंग साइलेंस आर्मर ट्रिम। एंड तुम लोग ट्रिम की टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी एक बंदे को बोल दिया था ट्रिम लाने के लिए एंड वो आने ही वाला होगा। अरे भाई, हेलो 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 हेलो। हां अबे भाई, तुमने क्या दिया था यार मेरे को, लो मैं 4 तो ये ट्रिम यूज करके मैंने बना दिया था माइनक्राफ्ट का एक ऐसा रेयर आइटम जो कि आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया होगा। तो मेरा आर्मर तो रेडी था इवेंट में ले जाने के लिए, बट अभी इवेंट को स्टार्ट होने में एक दिन और है। तो मेरे पास एक तगड़ा प्लान है जिसकी वजह से मैं इजिली इवेंट को जीत पाऊंगा। तो जैसा कि तुमको पता है, इवेंट में काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा था, जिनमें से एक था मेरा एक सर्वर का सबसे बड़ा एनिमी एंड वो मुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पहले वो करे उससे पहले मैं कर देता हूँ, मतलब मैं उसका रेयर आइटम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसी प्लान के साथ मैं निकल लेता हूँ उसके आइटम को डिस्ट्रॉय करने। बट तुम लोग सोच रहे हो कि मुझे उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चलेगा। अच्छा सुन, देख मेरे पे इतना टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे को लोकेशन बता दे वरना तू यहाँ से जा नहीं पाएगा भाई, बच के। ये तेरे को मजाक लग रहा होगा। अरे भाई, मुझे मूंगफली बेचने वाला समझ रखा है। 2 मिनट में बताता हूँ, 1 मिनट रुको, कहीं पता चले मूंगफली भुट्टे वाला समझ रखा है। अब बताओ। अच्छा, तू मारेगा मेरे को, तू पीछे तो देख एक बार। मैं भैया मजाक कर रहा था, मैं तो लोकेशन अभी भेज रहा हूँ, अभी बता, मैं खुद ही लेके चलूंगा ना उसमें। वैसे क्या बात है, मारने पीटने की थोड़ी ना बात है। और नहीं, नहीं। जल्दी से डीएम कर दे लोकेशन। लोकेशन तो मैं डीएम कर दूंगा, लेकिन थोड़ा इनको दूर रखो ना, वो थोड़ा डर लग रहा है भाई। तुम सबके घर में बाप भाई नहीं है, मेरी इज्जत लूट रहे हो। अरे तेरी इज्जत नहीं लूट रहे, तू कोऑर्डिनेट्स दे दे वरना मैं अभी भी बोल रहा हूँ तू इस सर्वर से बैन हो जाएगा। भाई बैन तो मैं जिंदगी से हो जाऊंगा अगर इन लोगों ने मेरी इज्जत उतार दी तो। मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ भाई, तुम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लो भाई, 6969 2341। अरे मारो इसे, एक हिट तो मारना ही पड़ेगा लग रहा है भाई, सच में यही कोऑर्डिनेट्स है। और ये नहीं हुए तो? अरे नहीं हुए तो तुम लोग मुझको मार देना। तो भाग गया तो? भाग गया तो भाग गया, मतलब नहीं भागूंगा, भागूंगा क्यों, आ जाओ भाई जल्दी आ गया। लेकिन एक शर्त है, पहले सुन लो। क्या है? मैं यहीं तक आगे तक जाऊंगा, मैं और आगे नहीं जाऊंगा, मेरा मोर बना देंगे उनको पता चल गया तो मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स। अबे तो मेरे को बेस तो बता दे, बेस कहाँ है? इतने मारूंगा मतलब बता रहा हूँ ना मैं, आगे तो आ जाओ आप। मेरे को लगता है मैं ना कोऑर्डिनेट्स थोड़े भूल गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। खुराक चाहिए भाई, खुराक तो चाहिए तेरे को। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा आगे पीछे देखते हैं, यहीं कहीं होगा। कहाँ है? अरे मैंने बोला था कि मैं दूर रहूं, तुम मुझे कोऑर्डिनेट्स के पास ले आए, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, ठीक है मैं जा रहा हूं भागूं गली। अबे बेस यही है क्या? ये क्या है ये, पानी के? अरे भाई तुम नीचे जाओ, मारो कटो, मेरे को कोई मतलब नहीं, उनने मुझे देख लिया, मेरा मोर शुगर सब बना देंगे। तो मुझे यहाँ पे फाइनली अपने एनिमी का बेस मिल चुका था एंड अब यहाँ पे 50-50 चांस है कि उनका जो रेयर आइटम है वो उनके बेस पर ही होगा। तो बस अब मुझे इस पूरे बेस में अच्छे से ढूंढना है कि कहाँ पर है वो रेयर आइटम। ये क्या है? अगर ये आ जाता इवेंट में तो मैं तो हार ही जाता भाई, इसको मारो अभी, कोई भी नहीं है सर्वर पे उनमें, उनके टीममेट, इनको मार के मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो अब बस मुझे इवेंट का इंतजार है एंड इवेंट को स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन है। तो इवेंट में सारे लोग काफी रेयर रेयर आइटम्स लाए थे, सब लोग स्टेज पर जाकर एक एक करके अपना रेयर आइटम दिखा रहे थे। दूसरी तरफ मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कि क्या मैं जीत पाऊंगा एंड जब मेरी बारी आती अपना रेयर आइटम दिखाने की। वायरल भाई, क्या ही मस्त आर्मर लग रहा है ये भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई आर्मर, बता रहा हूँ मैं, आप ही बना दो बस। तो रॉयल एमसी का मैंने ये वाला इवेंट तो बड़ा इजीली जीत लिया, अगर तुम लोग भी यहाँ पे इवेंट में खेलना चाहते हो तो ये रही तुम्हारी स्क्रीन पर आईपी, आ जाओ और खेलते हैं एक साथ।